तो जीपी और एपी में क्या था, डिफरेंस कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कॉमनली होगा। जैसे यहाँ पे हमारा वहां पे क्या था, ए प्लस डी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी, इस तरह से हमारा डाटा जा रहा था। लेकिन जीपी में क्या होगा, यहाँ पे आएगा ए, उसके बाद ए इंटू आर कॉमा ए इंटू आर यानी कि आर का स्क्वायर कॉमा ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर यानी आर का क्यूब कॉमा ए इंटू आर की पावर 4 कॉमा ए यू डॉट 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 एन, मतलब क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इस तरह से हमारा जो डाटा होगा वो रहेगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, अगर हम यहां से यहां जाएं तो क्या हो रहा है, आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहां से यहां जाएं तो फिर से आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां जाएं तो फिर से आर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपल सा हमारा जीपी है। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमारा दिया है टू, या फिर यहां पे हम देखते हैं, चलिए थ्री थ्री यहां पे दिया है सिक्स, यहां पे थ्री सिक्स ट्वेल्व 24, 48 एंड 96, और हमें इस टर्म को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम देखें क्या ये एपी बन रही है, नहीं बन रही है, तो हम चेक करेंगे क्या ये जीपी तो नहीं बन रही है। तो देखिए इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई किया गया, टू का, इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई किया गया, टू का, इन दोनों में टू का, यानी कि हमारे टू टू का मल्टीप्लाई सब में किया गया है, तो ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। जाहिर सी बात है हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टू का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर कितना आएगा, 62192, आई थिंक 192 आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपका, जैसे कि हम लोगों ने एपी में देखा था, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपका जो होता है जीपी आपको एक स्टेप बाद मिलती है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म जो होगा मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है थ्री, और यहाँ पे आएगा आपका डिफरेंस टू, थ्री में फोर, चौतीस ये आएगा, फिर आ गया आपके लिए में एट, पाँच सात पंद्रह। अब हमें इस तरह से हमें सीरीज आ गई, थर्टी वन, इस तरह से हमारी सीरीज है, हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये सीरीज आप इसमें कहीं से समझ नहीं पाएंगे कि ये सीरीज आपकी कहां से फाइंड आउट हो रही है, कैसे हम इसमें क्या करें कि हमारी सीरीज का आंसर हमें पता चल जाए। तो क्या करना है, अब देखिए ना ये एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों, वन से थ्री गया, थ्री से सेवन गया, कैसे हो गया, सेवन से या फिर आपका यहाँ पे गया फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ नीचे देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना है टू, यहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थ्री और सेवन का कोई मल्टीपल तो होता नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है फोर, यहाँ पे डिफरेंस कितना है एट, यहाँ पे डिफरेंस कितना है सिक्सटीन। अब देखिए नीचे देखिए यहाँ पे हमारा जीपी बन रहा है टू फोर एट सिक्सटीन, दो टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है टू इंटू टू, यहाँ पे क्या हो रहा है फोर इंटू टू, यहाँ पे क्या हो रहा है एट इंटू टू, और यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आएगा सिक्सटीन इंटू टू, देखिए ये हमें पता नहीं था लेकिन हम इसको फिलअप कर रहे हैं, सिक्सटीन इंटू टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32, यानी कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा 32, यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 32 को इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 63, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारे देखिए कितने हम स्टेप में नीचे जा सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन हम लोग उसको देख के ही छोड़ देते हैं। तो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमें हमने वहां देखा था, इसमें भी हम टीएन निकालेंगे कि कोई भी एक टर्म निकाला, जैसे हमें निकालना है पांचवा टर्म सीरीज का, पांचवा टर्म क्या होगा, दसवां टर्म क्या होगा, पचासवा टर्म क्या होगा, इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला है। ये सिंपली आप फॉर्मूला रखिए, एन की वैल्यू जो दी रहेगी, जैसे हमें टी फाइव निकालना है तो आएगा ए आर की पावर फोर, हमें ए और आर पता रहेगा क्योंकि हमें सीरीज दी होगी, जैसे हमें दिया टू फोर एट सिक्सटीन, तो इसमें क्या है ए क्या है टू है और आर क्या है, इन दोनों के बीच में किसके मल्टीप्लाई हो रहा है टू का, तो आर इक्व टू टू, इस तरह से हमें ए और आर यहाँ दिया रहेगा, उससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगले हमारे जो फॉर्मूला आ रहा है वो आएगा आपका सम निकालने का। तो सम कैसे निकलेगा, ऐसे है सम ऑफ इस सीरीज का कैसे निकलेगा,
तो सम निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमारे इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पे आएगा आपका ए आर टू द पावर एन माइनस वन और अपॉन आर माइनस वन। ये कब होगा, देखिए यहां पे सीरीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सीरीज में क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से सीरीज है, अगर हम बात करें यहां पे आ रहा है वन, यहां पे आ रही मान लीजिए वन, फिर अगले आ रहा है आपका 0.2, फिर अगला आ रहा है आपका 0.04, अगला आ रहा है 0.008, इस तरह से सीरीज आ रही है। तो आप यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगी। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे, आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, आर क्या आ रहा है कॉमन रेशियो, यहाँ पे आ रहा है 0.2, यहाँ पे आ रहा है कितना 0.2, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.2। तो ये हमारे जब वन से नीचे, ये क्या होगा जब आर हमारा, ये वाला जो हमारा सम का फॉर्मूला होगा ये कब होगा, जब आर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, या तो वन हो या वन से ज्यादा हो, तो हमारा ये हमारा आर का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अगर हमारा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, अगर इक्वल वन है तो वहां पर जेपी बनेगी नहीं, क्योंकि सारे टर्म आर जब वन हो जाएगा तो आर की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, तो ये इक्वल टू नहीं है। तो आर जब एक से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर एक से छोटा है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंज होगा, एस एन इक्वल टू क्या आएगा, ए ऐसे ही रहेगा, ए हो जाएगा आर टू द पावर, यहां पे सॉरी देखिए आर माइनस वन, ये जो था वही रहेगा, तो यहां पे वन माइनस आर। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखिए ये जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब देखिए हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, आर चूंकि जीरो से वन है, जीरो छोटा है वन से, और हमें पता है कि वन से छोटा कोई वैल्यू हो तो उसकी जितनी ज्यादा पावर की जाए उतना कम होता जाता है। जैसे हमारा 0.2 की पावर अगर हम यहाँ पे 8 कर दें या 10 कर दें तो उसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी, वो जीरो के पास पहुंच जाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा पावर बढ़ेगी उतना छोटा होता जाएगा अगर वो जीरो से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम मान के चलेंगे कि जीरो हो जाएगी। तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी ए और ये बचेगा माइनस वन और ये बचेगा आर माइनस वन। तो देखिए ये माइनस आ रहा, माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम यहां से नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा माइनस ए अपॉन यहां पे देखिए माइनस बाहर लिया तो वन माइनस आर, इस माइनस से माइनस से कट जाएगा। इस तरह से इसका फॉर्मूला, आपको ये सब लॉजिक याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हमारा आर जो है ए से बड़ा है तो वन से बड़ा है तो ए, और आर जब ए से छोटा है वन से छोटा है तो ये आएगा आर इज लेस देन वन। तो हमारे एक एस एन के दो फॉर्मूले हो गए सम निकालने के। तो इसके लिए न्यूमेरिक क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा जीपी था, मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ये मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हूँ क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो वैसे हमें आगे का टर्म फाइंड करने के लिए या एंड टर्म फाइंड करने के लिए या फिर सीधे सम निकालने के लिए वैल्यू आती है कि हमें इसका सम निकालना है, तो सिंपली इस फॉर्मूले से आपका सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा जीपी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ अर्थमेटिक जो क्वेश्चन है वो हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व होंगे, तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उससे क्वेश्चन जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक मिनट में हो जाते हैं या एक मिनट से भी कम टाइम में हो जाते हैं, लेकिन जनरली वो हमें इतने टफ लगते हैं कि उसमें हमारा टाइम भी चला जाता है और क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन की मदद से हम लोग नंबर्स वाले सिस्टम को, नंबर या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।